हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि अक्सर लोगों को दिक्कतें आती हैं, वो चाहे बेसमेंट की पार्किंग से हो, चाहे किसी फ्लाईओवर के ऊपर हो जब जाम लग जाता है, या कोई ऐसे चढ़ाई वाले रोड पे हो जहाँ पे गाड़ी रुक जाती है, उसके बाद रोक रोक कर हमको बढ़ाना होता है, उसको बोलते हैं स्लोपिंग अपहील। तो अभी आप देखेंगे तो मेरी जो सेंट्रो खड़ी हुई है वो इस पोर्शन पे खड़ी है कि पीछे ढलान और आगे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। अब ऐसे में गाड़ी गई है रुक, गाड़ी रुकने के बाद इतनी खड़ी चढ़ाई है, तो खड़ी चढ़ाई में गाड़ी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो मेरे साथ हैं, क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष, और डे कौन सा है? आज संडे। डे संडे, आपको सीखने का डे कौन सा है? फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, कितनी देर से कार चला रहे हैं आप? 30 मिनट। 30 मिनट से, तो फर्स्ट टाइम ये गाड़ी सीख रहे हैं। दोस्तों देखना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अक्सर ये चीज़ लोगों के साथ, और बहुत ऊँची, कितनी ऊँची खाई होगी ये? लगभग 3-4 फीट। ज़्यादा है, लगभग यहाँ से अगर अराउंड लेंगे तो करीब 6 फीट, 6-7 फीट के आसपास, अगर नीचे से लेते हैं तो 6-7 फीट, इतना ऊंची खाई है ये। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो ये चीज़ सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपहील में, और आप एक बार क्लच और ब्रेक को अपने चेक करके देख लो। दोस्तों मैं इनको गाइड करूँगा, ये देखो गाड़ी कितनी खाई में खड़ी है, यहाँ से गाड़ी इनको ऊपर लाना है इस तरीके से, और इस साइड भी रोड है, देख रहे हैं, इस साइड भी रोड है और इस साइड भी रोड है, दोनों साइड रोड है। अब यहाँ से ये गाड़ी ऊपर लेके आएंगे, और इतनी ऊंची चढ़ाई है तो इनको गाड़ी को चढ़ाना है फर्स्ट गियर में, क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी यहाँ से नहीं चढ़ेगी। सेकंड गियर में अगर ये कोशिश करेंगे तो इंजन बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इंजन ऑन है गाड़ी का, अब आपको फर्स्ट गियर डालना है। सबसे पहले फर्स्ट गियर डालो, राइट वाला पैर कहाँ है? सबसे बड़ी गलती यही है, राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए कंपलसरी। फर्स्ट गियर डालो, कंफर्म है फर्स्ट गियर है, पहले न्यूट्रल करो। हाँ न्यूट्रल, फर्स्ट गियर। अभी आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, अब ब्रेक दबा लो, हैंड ब्रेक को अनलॉक कर दो, हो गया अनलॉक। अब आपको क्या करना है, देना है राइट का सिग्नल, राइट। हाँ अभी तो चढ़ाई की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब आपको पहले ब्रेक दबा के रखना पूरा, पहले हाफ क्लच छोड़ो, घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक? बस अब हल्का सा रेस लो, हल्का रेस लो, हाँ इतने क्लच पे रेस लो, और पूरा क्लच ब्रेक, स्टॉप स्टॉप, क्लच नहीं दबाया बेटा आपने, पूरा क्लच 100% ब्रेक ब्रेक ब्रेक। 1 इंच गाड़ी नहीं जानी चाहिए पीछे, ये सपोज करो कि पीछे आपकी गाड़ी है, ठीक है? इतनी गाड़ी आप 1 सेकंड में पूरा क्लच, पूरा क्लच का मतलब होता है 100% जितनी आप में जान है, ठीक है? ध्यान रखना ये। अभी गाड़ी कितने मीटर आप चढ़ा के लेके आए? 2 मीटर। 2 मीटर। अभी गाड़ी को थोड़ा पीछे और जाने दो, ब्रेक दबा, ब्रेक छोड़ो, क्लच दबाए रहो, गाड़ी थोड़ी सी पीछे जाने दो, मिरर चेक करो, जाने दो पीछे और जाने दो, क्योंकि गाड़ी में गियर फर्स्ट है बट गाड़ी ढलान पे है, आपने पूरा क्लच दबाया, इंजन फ्री हो गया, और जाने दो। वन टाइम में तो गाड़ी चढ़ जाएगी बहुत आसानी से, आपको यहाँ पे रोक रोक कर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कभी आप हिली एरिया, नैनीताल या मशहूरी वगैरह एरिया में ऐसे फंस जाते हो, किसी मॉल की बेसमेंट पार्किंग में फंस जाते हो, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अभी और पीछे जाने दो, ठीक। इसमें दो तरीके, एक होता है हाफ क्लच पे गाड़ी को कंट्रोल करना, एक होता है हैंड ब्रेक पे। तो अभी आपको फिर वही सेम चीज़ करना है, ब्रेक पूरा दबा रखा है, क्लच को रिलीज करो, हाफ क्लच, नीचे मत देखो सामने देखो, मैंने कोई यूज़ नहीं कर रखा है यहाँ से। जैसे इंजन वाइब्रेट करे बस उतने पे हल्का एक्सीलेटर, थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा एक्सीलेटर, और क्लच छोड़ो, और बस अब ज़्यादा एक्सीलेटर लो, थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा लो, और स्टॉप। चढ़ गई गाड़ी, बंद तो नहीं हुई? फिर वन टाइम पीछे जाओ, ब्रेक को रिलीज करो, गाड़ी पीछे, पीछे जाते टाइम लुकिंग ग्लास को जरूर चेक कर लिया करो, कई बार ऐसा होता गाड़ी अचानक आके पीछे खड़ी हो गई, जाने दो, फिर स्टॉप करो, बस फिर बढ़ाओ। ऑलरेडी तो फर्स्ट गियर में हो, कंफ्यूज, ब्रेक क्यों छोड़ रहे हो? अब गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, हल्का ज़्यादा एक्सीलेटर लेना। अभी आपने यहाँ पे क्लच ज़्यादा छोड़ दिया इसलिए इंजन बुझ गया,
ब्रेक दबा लो। और एक चीज़ और, इंजन बंद होने के बाद ब्रेक काम नहीं करता है, ध्यान रखना। पावर ब्रेक होता है, अगर इंजन ऑफ हो गया और आपने एक बार ब्रेक को छोड़ा फिर दबाया, उसके बाद दोबारा दबाओगे तो ब्रेक काम नहीं करेगा, फिर वहाँ पे फटाफट हैंड ब्रेक खींच देना है, वरना गाड़ी पीछे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर ब्रेक और पावर स्टीयरिंग तभी काम करता है जब इंजन ऑन होता है। स्टार्ट करो गाड़ी, जाओ। ब्रेक नहीं छोड़ना है पहले, पहले गाड़ी को गियर में एक्टिव होने दो। अब हल्का सा एक्सीलेटर लो, लो एक्सीलेटर फटाफट जल्दी से, और जाने दो, स्टॉप। बस अब यहाँ पे देखो दो तरीके, अभी आप हाफ क्लच पे इसको कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, अभी गाड़ी थोड़ी सी पीछे जाने दो, ब्रेक को फ्री करो थोड़ी सी, और जाने दो, और बस स्टॉप। अब इसको हैंड ब्रेक लगा दो, खींच दो ऊपर, पूरा खींच दिया, अब क्लच दबाए रहो, ब्रेक छोड़ दो, छोड़ दिया ब्रेक, गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, हो गया। वो अभी पैंडलिंग में करा रहा था, ये हैंडलिंग है। अब हैंड ब्रेक ने रोक रखा है, अब राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे रखो, हाँ, दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, ठीक। अभी हाफ क्लच छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ो, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे, अब लेफ्ट वाला हाथ जो है इस पे हैंड ब्रेक पे लेके आओ, ऊपर खींचो हैंड ब्रेक, खींचो, और अब बटन दबा लो, डाउन नहीं करना, डाउन नहीं करना, बस खींचे रहो। अभी क्लच को रिलीज करो, एक्सीलेटर लो थोड़ा ज्यादा 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 एक्सीलेटर, अब वापस ब्रेक, हैंड ब्रेक खींचो, खींचो ऊपर, पीछे जा रही ना गाड़ी, नहीं खींचा है, अगर खींचा होता तो पीछे नहीं जाती। वापस इंजन ऑन करो, क्लच दबा के हैंड ब्रेक डाउन करना, क्लच को रिलीज करना, तीनों का मैचिंग होना चाहिए, एक्सीलेटर क्लच और हैंड ब्रेक का, ठीक है। अभी राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे ले जाओ, पहले हाफ क्लच रिलीज करो, जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए तब हैंड ब्रेक डाउन कर देना है और एक्सीलेटर लेने लेते रहो, फिर क्लच और ब्रेक पे गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। हाफ क्लच छोड़ो और बस अब हैंड ब्रेक डाउन करो, ऊपर उठाओ, पहले बटन दबा के रखो, अभी डाउन नहीं करना, अब एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा लो, एक्सीलेटर ज़्यादा लो, और अब क्लच, हैंड ब्रेक डाउन करो, हैंड ब्रेक डाउन करो, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाओ, हैंड ब्रेक डाउन कर दो, पूरी रेस करो, हल्का रेस करो, चढ़ाओ, लेफ्ट आओ, लेफ्ट जाओ, रेस करो, जाओ, टर्न करो, टर्न, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीधी करो, गजब, हो गया। चलो अभी जाने दो आगे थोड़ा सा, अभी मैं बैक कराऊंगा यहाँ से, और आगे जाओ थोड़ा, हाँ थोड़ा जाओ, थोड़ा सा और जाने दो, और जाओ, अभी इधर बैक करना है, हाँ अभी यहाँ पे और जाओ, अब रोको यहाँ पे, पूरा क्लच ब्रेक स्टॉप, बस इसको न्यूट्रल करो और बैक गियर डालो, पहले न्यूट्रल, अब पूरा फुल खींचो राइट, हो गया। अब लेफ्ट घुमा दो पूरी स्टीयरिंग 90 डिग्री से, इसको निकलने दो पहले, हाँ फुल 90, इधर देखो 90 डिग्री घुमाओ स्टीयरिंग पूरी, चलो फुल 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 फुल, जाओ अब जाओ, पहले ब्रेक छोड़ो फिर हाफ क्लच, इस वाले मिरर को चेक करो, जाओ धीरे से, जाओ 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 जाओ, जाने दो, जाओ जाओ जाओ, गुड 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 गुड, चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, स्टॉप, पूरा क्लच और ब्रेक। अब पहला गियर डालो राइट, पहला गियर डालो, हाँ न्यूट्रल करके, हाँ अब राइट घुमाना है, स्टीयरिंग राइट घुमाओ, राइट का सिग्नल दो, बंद नहीं हुआ है राहुल, दोबारा खोल के बंद करो, हाँ। चलो अभी हाफ क्लच पे गाड़ी ढलान पे, पहले हाफ क्लच पे गाड़ी को गियर में एक्टिव करो, और थोड़ा बस, अब जाओ एक्सीलेटर लो, राइट काटो स्टीयरिंग जल्दी जल्दी, स्टीयरिंग पहले घुमा लेते हैं बेटा, हाँ ताकि कम जगह में घूम जाए। अब सीधी कर लो गाड़ी, चलो सीधा करो, अब स्ट्रेट चलना है, सीधी करो, हाँ क्लच को फ्री करो, स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो, पहले स्पीड मेंटेन करो, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, हाँ खींचो, चलो जाने दो, एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया था आपने गियर चेंज करते टाइम, जब गियर चेंज करते तो उस टाइम हमारा राइट वाला जो पैर है वो ब्रेक पे होना चाहिए, ना कि एक्सीलेटर पे। सो गाइस, आपने देखा स्लोपिंग पे कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हिली एरिया, ऐसे आपको पहाड़ी एरिए में ऐसे पॉइंट बहुत सारे मिलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते, जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रेक पे पैर, स्पीड कम, हाँ।